देश के 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया व पुलिस के जवानों, होमगार्ड व एनसीसी कैडेट्स परेड की सलामी लेकर शहीदों को राष्ट्रीय गीत के साथ नमन किया। राष्ट्रीय ध्वजारोहण से पूर्व मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के जिला सचिवालय के साथ शहीदी स्मारक पर जाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा परेड का निरीक्षण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में सबसे पहले उन शहीदों को याद किया जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि शहीदों ने देश के लिए जो सपने देखे थे उसे पूरी लगन व निष्ठा के साथ पूरा करें। उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने और प्रदेश को मजबूत करने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश खेल, शिक्षा, संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। क्षेत्र की पावन भूमि पर अपना 69वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आन और बान का राष्ट्र की शान का प्रतीक है। अनगिनत देशवासियों के सैकड़ों वर्षों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से मिली हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ी कोटि कोटि गाथाएं दुनिया भर के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। एक तरफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी गई और दूसरी ओर अनेक क्रांतिकारियों ने सरफरोशी की तमन्ना के साथ फांसी के फंदे पर झूल करके अपनी कुर्बानी दी। महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ शहीद हुए वीरों का भी स्मरण करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूं। कुरुक्षेत्र से आजाद टीवी न्यूज के लिए यज्ञ दत्त शास्त्री की रिपोर्ट।